उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूसीसी बिल पारित होने के बाद एक और बहुप्रतीक्षित बिल भी पास हो गया है। बता दें कि बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 संशोधन के साथ पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया और विपक्ष ने भी विधेयक पर अपनी सहमति दी। वहीं सदन में विधेयक पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड बना है। उन्होंने कहा कि वह खुद खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के साक्षी रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी प्रदान करने को राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान बताया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है उनके संघर्षों से, और हमारे जो जिनका बलिदान हुआ है इस राज्य को बनाने में, बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं स्वयं, क्योंकि जब मैं छोटा था मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है, मैंने देखा है खटीमा का आंदोलन, मसूरी के आंदोलन की हम सब हमेशा स्मरण में हमारे रहता है, मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हम भूले नहीं हैं। ऐसे समय में जहाँ मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए। और लंबे समय से ये आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था वो आरक्षण भी हमने देने का संकल्प लिया था, और गैरसैंण में हमारी मंत्रिपरिषद ने इसको सर्वसम्मति से ये निर्णय किया था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसको हम देंगे, उसको हम जारी रखेंगे, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी उसमें और विनिमिताएँ रह गई थी, उन सबको दूर करते हुए प्रवर समिति का गठन किया गया था। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे उस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे और समिति ने काम किया, समिति ने जो रिपोर्ट दी और आज सदन से उसको पारित कर दिया गया। 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वह भी सर्वसम्मति से आज पारित हो गया है।